यात्रा, ये क्या है इसका भाव और क्या संदेश जाएगा? सरकार हर काम अपनी मुट्ठी में बंद करके करना चाह रही है। जो बाबा भीम हमारे अंबेडकर जी के संविधान को भी वो ख़त्म करना चाह रही है। जो आरक्षण हमारे इन समाज के लिए जो दिया गया है, और ऐसा नहीं कि देश आज़ाद हुआ है उसके बाद सभी लोगों को समायोजित करते हुए, सभी लोगों को देखते हुए ये आरक्षण जो हमको, जो हमारे समाज को, जो हमारे शिविर के लोगों को जो दिया गया है, उसको ये सरकार की मानसिकता है कि इसको हम ख़त्म करेंगे। लेकिन इस आरक्षण को हम कांग्रेस पार्टी नहीं ख़त्म होने देगी, क्योंकि आरक्षण जो मिला है तो बाबा भीमराव अंबेडकर के सपने जो था कि सभी को उचित सम्मान दिया जाए, ये सम्मान है उनके लिए। आज गरीब तबके का व्यक्ति आज अपने कटोरा लिए हाथ में घूम रहा है, न तो नौकरी है इस सरकार में, लेकिन अगर है तो इसने पहले ही ऐलान कर दिया था ये मोदी सरकार ने कि हम भगाएंगे, तो ये नहीं पता किसको भगाएंगे। लेकिन आज एहसास हो रहा है कि अपने देश को ही ये भगाने का काम कर रहे हैं, अपने देश की जनता को ही भगाने का काम कर रहे हैं। ऐसा कांग्रेस पार्टी नहीं होने देगी। कांग्रेस की आरक्षण बचाओ रैली 25 फरवरी से मेरठ से शुभारंभ होकर आगरा से होती हुई गोरखपुर में समापन होगा। क्योंकि केंद्र में भाजपा की सरकार के रहते हुए, केंद्र की भाजपा सरकार जो कि दलित विरोधी है, धीरे धीरे आरक्षण को ख़त्म करने की योजना बना रही है। मोदी जी रोजगार तो दे नहीं पा रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे LIC, इंडियन ऑयल कंपनी, एयर इंडिया, रेलवे, तमाम ऐसी संस्थाओं को बेचने का काम कर रहे हैं और प्राइवेटीकरण की तरफ देश को ले जा रहे हैं। जब देश प्राइवेट उसमें आ जाएगा तो आरक्षण स्वतः ही ख़त्म हो जाएगा। इसलिए कांग्रेस पार्टी ने जो हमेशा ही दलितों, अल्पसंख्यकों और पिछड़ों की लड़ाई लड़ती आई है, सभी को साथ लेकर चलने वाली पार्टी है, वाल्मीकि से लेकर ब्राह्मण तक पार्टी के साथ रहता है, इनको साथ लेकर आरक्षण बचाओ यात्रा निकाली गई है। उसके इसी चरण में आज आगरा में इसका भ्रमण होगा और नाला ताजी पाड़ा तलैया में बाबा साहब की प्रतिमा पर माला अर्पण के साथ इसका समापन होगा। बहुत बढ़िया। जनवाद टाइम्स की सभी खबरों को लगातार देखने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।